एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। जो भी लोग अपना सॉन्ग कंपोज करना चाहते हैं या कोई अपना गाना बनाना चाहते हैं और उनको प्रॉब्लम ये आती है कि कॉर्ड्स कौन से हमें रखने हैं, ठीक है, कॉर्ड्स कौन कौन से हमें यूज करने हैं, या एक कॉर्ड हमें पता चल गया तो दूसरा कॉर्ड क्या होगा उसका, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो कंपोजिशन में सबसे पहले तो आपने कोई भी एक लिरिक्स आपको लिखना है, जिस भी थॉट प्रोसेस में आप लव सॉन्ग बनाना चाहते हैं या कोई भी एक सॉन्ग बनाना चाहते हैं या दोस्ती के ऊपर बनाना चाहते हैं या कोई डिवोशनल सॉन्ग आप बनाना चाहते हैं, तो लिरिक्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए या लिरिक्स आप पहले से ही लिखने पड़ेंगे उसके, ठीक है। आपको जो भी आपका फील है उसके अकॉर्डिंग लिरिक्स लिखने पड़ेंगे आपको। नाउ उसके बाद सेकेंड स्टेप जो आता है, कॉर्ड्स अरेंज करना है हमें। कॉर्ड्स कैसे अरेंज करें या पहला कॉर्ड क्या होगा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से कॉर्ड से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कौन से कॉर्ड से स्टार्ट करना है, तो आपको वो जो भी आपने सॉन्ग लिखा होगा उसको पहले आपको गाना है और एक कॉर्ड उसमें ऐसा होगा जो मैच करेगा। जैसे कि अभी फर्स्ट कॉर्ड मेरा, सपोज मैंने सी ले लिया, तो मेरा गाना जो है सी कॉर्ड में मैच कर गया। आप अगर गाएंगे उसको तो वो हो सकता है सी में ना मैच करे, जी में मैच करे, या डी में, या ए माइनर में, या एफ में, या किसी भी कॉर्ड में, जो भी आपकी कंपोजिशन है उसका आपका अगर फर्स्ट कॉर्ड आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है, वो इसी तरह से मालूम चलता है। पहले उसको गाना पड़ेगा और अपनी आवाज को कॉर्ड की आवाज से आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तरीके से आपको गाना है, हमिंग गाना है या लिरिक्स गाना है, तो मुझे अभी मालूम चल गया कि मेरा सी है, तो सी में कौन कौन से रिलेटिव कॉर्ड्स होते हैं ये आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। सी के साथ हम कौन कौन सी कॉर्ड्स को ले सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं सी का मेजर रूट क्या बनता है, सी ए एफ एन जी, ये सी का मेजर रूट है। इसका मतलब इसमें कोई भी माइनर कॉर्ड मैंने यूज नहीं किया है, सी एफ जी ये मेजर रूट है सी का, सी एफ जी। अब ये कॉर्ड्स तो आएंगे ही, अगर सी का मेरा कोई गाना है यानी कि सी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मास्टर कॉर्ड मेरा क्या हो गया, सी हो गया, तो सी एफ और जी आ गए कॉर्ड्स में, ठीक है। अब कोई कॉर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं, कोई सॉन्ग ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपका माइनर भी आ रहे हो, माइनर कॉर्ड भी आप यूज करना चाहते हो या माइनर कॉर्ड्स उसमें लग रहे हो, ठीक है। तो माइनर, हर एक कॉर्ड का अपना एक माइनर होता ही है। जैसे सी का माइनर क्या होता है, ए माइनर, और एफ का माइनर क्या होता है, डी माइनर, जी का माइनर क्या होता है, ई माइनर, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। सी का माइनर क्या हुआ, ए माइनर, एफ का माइनर क्या हुआ, डी माइनर, जी का माइनर क्या हुआ, ई माइनर, तो ये सारी कॉर्ड्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ लिखा हुआ दिखा रहा हूं, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे, पहले मैंने सी से, अगर आपके सी के रिलेटिव कॉर्ड्स आपको निकालने, ये फॉर्मूला है, सी के रिलेटिव कॉर्ड्स अगर आपको निकालने तो कैसे निकालते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है, ये मैंने पूरा लिख दिया है, सी डी ई एफ जी। आप भी ऐसे ही करें, आपको जरूरी नहीं कि सी का ही हो, डी से स्टार्ट कर सकते हो आप, डी से पूरा स्टार्ट कर दो इंक्रीजिंग, डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है। अगर आप एफ का मास्टर कॉर्ड आ रहा है आपको एफ, तो एफ से स्टार्ट कर सकते हो आप, एफ फिर जी आता है, फिर जी के बाद दोबारा से ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, फिर जी का जी ए बी सी डी ई एफ जी, ए का ए बी सी डी ई एफ जी, तो इस तरीके से आप सारे रूट्स सबके कॉर्ड्स निकाल सकते हो। बट हम एग्जांपल ले रहे हैं सी का भी, सी फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद एफ, फिर जी, फिर ए, फिर बी और सी, जी के बाद दोबारा से ए आता है। नाउ अब सी जो होता है ना फर्स्ट कॉर्ड, वो होता है आपका मेजर कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद जो डी आएगा वो होगा माइनर, यानी कि सेकेंड कॉर्ड ऑलवेज माइनर होता है उसका, ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉर्ड, वो भी माइनर है। उसके बाद फोर्थ कॉर्ड होगा मेजर, और फिफ्थ कॉर्ड होगा मेजर, और सिक्स्थ कॉर्ड होगा आपका माइनर, मास्टर कॉर्ड का माइनर कॉर्ड होगा सिक्स्थ कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद आएगा डिमिनिश कॉर्ड, बी डिमिनिश, ठीक है। तो ये हो गया इन सबका फॉर्मूला, तो आपको इसी तरीके से कॉर्ड्स निकालने हैं। अगर डी का निकालना है तो डी का कैसे, अभी मैं डी से स्टार्ट करता हूं, डी ई एफ जी ए बी सी डी, जहां से स्टार्ट किया यानी कि डी मेरा मास्टर कॉर्ड है।
अब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इससे हमें क्या मालूम चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमें तीन मेजर कॉर्ड यूज करने हैं, तीन माइनर कॉर्ड यूज करने हैं, यानी कि हम तीन मेजर कॉर्ड यूज कर सकते हैं, कौन कौन से, सी एफ जी अपने गाने में, और तीन माइनर कॉर्ड यूज कर सकते हैं, तीन माइनर कॉर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। माइनर कॉर्ड कौन कौन से होंगे, डी माइनर, ई माइनर और ए माइनर, और एक डिमिनिश कॉर्ड हम यूज कर सकते हैं, बी डिमिनिश कॉर्ड होगा, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल से याद करना है, और ये हर एक रूट के लिए अप्लाई होता है ये, ठीक है, हर एक रूट में अप्लाई होगा ये आपको। तो अभी जैसे मैं कोई एक कंपोजिशन कह रहा हूं, मैं कॉर्ड्स का एक फॉर्मेट बनाना चाहूंगा, तो इन्हीं कॉर्ड्स में से बनाऊंगा। मैं पहले लूंगा डी माइनर, ठीक है, कोई भी मैं कॉर्ड ले सकता हूं, पर इन्हीं में से मुझे कॉर्ड लेने हैं, डी माइनर। उसके बाद मैं ले लिया ए माइनर, फिर मैंने लिया सी, और फिर मैंने ले लिया जी। तो ये एक नया ही रूट तैयार हो गया है, ये आपने ना तो कहीं सुना होगा कि इस तरीके का रूट है। और अगर मैं रिदम भी कोई पैटर्न नहीं, ए माइनर सी जी, डी माइनर ए माइनर सी जी, ये एक नया रूट तैयार हो गया, इसमें कोई गाना बना सकते हो। या अगर मैं कोई और लेना चाहूंगा तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा ए माइनर से, ए माइनर फिर बी माइनर फिर एफ और फिर डी माइनर, इस तरीके से भी ले सकता हूं मैं। या फिर मैं लेना चाहूंगा सी डी माइनर एफ ई माइनर, ये भी एक नया रूट तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप अपनी कंपोजिशन को और सुंदर बना सकते हो अगर आप ये सारे अप्लाई करोगे फॉर्मेट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। बट कॉर्ड्स आपको इसी तरीके से अरेंज करने हैं, मास्टर कॉर्ड का आपका ध्यान रखना है कि आपका मास्टर कॉर्ड क्या है, सी है, डी है, ई है। अगर डी आपका मास्टर कॉर्ड है तो उसका फॉर्मेट डी से स्टार्ट होगा, डी फिर उसमें ई माइनर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कंपोजिशन को और भी सुंदर और भी अच्छा और यूनिक बना सकते हो। कीप ऑन प्रैक्टिस एंड थैंक यू सो मच।